हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। पिछले वीडियो में हमने ब्लड वेसल्स और सर्कुलेटरी सिस्टम के आर्टरी और वेन्स के बारे में डिस्कस किया था। सो इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट ऐसा होता है, देख लो सभी। अब देखो इसका क्या क्या पार्ट है। इसे बोलते हैं हम अरोटा। ठीक है, देखो अरोटा हमने पढ़ा था ना, लार्जेस्ट आर्टरी होता है, बड़ा होता है, तो ये सच में ही बड़ा है। नेक्स्ट देखो, ये है वेना कावा। वेना कावा क्या था? लार्जेस्ट वेन होता है। ठीक है, वी से वेन, वी से वेना कावा। और ये अपर बॉडी यानी कि ऊपर की तरफ होता है, यहाँ से एयर एंटर करता है, इसे हम बोलते हैं राइट एट्रियम। आर्टरी से जो फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं राइट एट्रियम। ठीक है, अब देखो वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, अपर बॉडी से इस तरह दिखता है और लोअर बॉडी से इस तरह दिखता है। नेक्स्ट है राइट वेंट्रिकल। हमेशा एक बात याद रखना, लेफ्ट राइट एट्रियम के नीचे राइट वेंट्रिकल होता है और यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यानी कि आपका जो हाथ है उसका जस्ट ऑपोजिट, आपका जो राइट है वो हार्ट का लेफ्ट होगा और आपका जो लेफ्ट है वो हार्ट का राइट साइड होगा। नीचे इस जो दीवार जैसा पोर्शन है उसे हम बोलते हैं सेप्टम, डिवाइडिंग वॉल, क्योंकि ये दोनों को सेपरेट करता है, अलग अलग करके रखता है, तो इसे हम सेपरेटिंग सेप्टम या फिर डिवाइडिंग वॉल बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों जो छोटे छोटे पाइप जैसे दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज और नीचे पर है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरीज पे क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है और पल्मोनरी वेन्स में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। ठीक है, ये इन दोनों का दो एक्सेप्शन है। ये रहा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। अब इसका वर्किंग देखते हैं, वर्किंग ऑफ हार्ट। वर्किंग ऑफ हार्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो स्किप मत करना। देखो पहले क्या होता है, लंग्स। लंग्स से पल्मोनरी वेन पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, लंग्स से होते हुए लेफ्ट आट्रियम पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाता है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में। इस डायग्राम को मैं मार्क कर देता हूँ। लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पर देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, सॉरी सारा मिट गया। हाँ अब देखो ऐसे ही समझते हैं, अब देखो यहाँ से ब्लड फ्लो करके हुए ऐसे जाता है। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ जाता है, उसके बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेफ्ट एट्रियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल को पास करते हुए वो मेन आर्टरी में जाता है, जो कि होता है अरोटा, जो ह्यूमन हार्ट का सबसे बड़ा आर्टरी होता है। ए से आर्टरी, ए से अरोटा, वी से वेन्स, वी से वेना कावा, ऐसे याद रख सकते हो। अरोटा में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। ठीक है, उसके बाद बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स से होते हुए उसके बाद मेन वेन पे जाता है, जो कि क्या होता है? वेना कावा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। उसके बाद वो फिर राइट एट्रियम में जाता है। ठीक है, राइट एट्रियम में जाकर राइट वेंट्रिकल के होकर पास थ्रू होकर वो फिर से लंग्स में जाता है और ये साइकिल रिपीट होता जाता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।
अगर आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट करके पूछेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।